फिर से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट 16 इंटू 2 रेज टू द पावर एन प्लस 1। माइनस 4 इंटू 2 रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 रेज टू द पावर एन प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू द पावर एन प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2। तो आप क्या करो, सबसे पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए, यहाँ पर भी 2 की पावर एन है, यहाँ भी 2 की पावर एन है, यहाँ भी 2 की पावर एन है और यहाँ भी 2 की पावर एन है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम 2 की पावर एन को कॉमन लेके हटा दें। तो बस इसी अप्रोच को हमने फॉलो करना है। तो आप ट्राई करो खुद ही, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, फिर ट्राई करो, फिर देखो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 16 और इसको लिख लिया 2 की पावर एन इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे 2 की पावर एन प्लस 1 हमने बोला तो इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर एन इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होके फिर से ऐसे बन जाएगा माइनस 4 इंटू 2 की पावर एन, ये तो एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय 16 2 की पावर एन इंटू 2 की पावर, इसको 2 लिख लेंगे क्योंकि एन प्लस 2 है, माइनस 2 इंटू इसको भी 2 की पावर एन इंटू 2 की पावर 2 लिख लेंगे। अब यहाँ से 2 की पावर एन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इस टर्म को मैं बाहर लिख लेता हूँ ऐसे, तो अंदर क्या बच गया 16 इंटू 2 माइनस यहाँ क्या बचेगा 4। ऐसे ही यहाँ से और यहाँ से 2 की पावर एन बाहर आ गया ऐसे, तो बच क्या गया 16 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2 ऐसे बच जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स मेरी कैंसिल आउट हो गए। तो कैंसिल आउट होने के बाद ये क्या हो गया 16 इंटू 2, उसका मतलब हो गया 32 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 16 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4, तो 32 में से 4 माइनस करेंगे 28 हो गया, डिवाइडेड बाय 64 माइनस 8, तो 64 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 56, तो 28 से 56 को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1/2, तो यही मेरा RHS आ गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब इसी के जैसा इस क्वेश्चन को देखो, ये है प्रूव दैट PT मीन्स प्रूव दैट 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 3/2। मुझे ये प्रूव करना है इस बार। तो फिर से अप्रोच मेरी वही रहेगी, क्या 2 की पावर n, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसको लिख लिया 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे तो पावर फिर से ऐड हो जाएगी। मतलब ऐसे है, मान लीजिए, या तो मैं इसको अपॉन में भी लिख सकता था, ठीक है, जैसे ये है 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2, ऐसे है तो जब डिवाइड हो रहा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ऐसे हो जाती है। तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूं, या फिर ऐसे भी हमने बोला 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होके पावर ऐड हो जाएगी, तो ऐड यानी ऊपर 2 की पावर क्या हो जाएगा n प्लस माइनस 1 विच इज़ 2 की पावर n माइनस 1, और इसको लिख लिया 2 की पावर n इंटू 2 माइनस 2 की पावर n ऐसे। अब दोनों में से फिर से 2 की पावर n मेरा कॉमन आ रहा है, यहाँ रह गया 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1, और नीचे क्या रह गया
टू की पावर एन कॉमन आ गया, यहाँ रह गया टू माइनस, यहाँ पे वन रह गया। तो टू की पावर एन से टू की पावर एन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया वन, टू की पावर माइनस वन यानी वन बाई टू ऐसे, और टू माइनस वन वन हो गया। तो एलसीएम लेंगे तो टू प्लस वन ओवर टू यानी आंसर इज थ्री बाई टू, यही मेरा आर एच एस है इंस्टीट्यूट। इसके बाद जैसे ये है, प्रूव दैट अंडर रूट एक्स की पावर माइनस वन इंटू वाई, फिर इंटू अंडर रूट वाई की पावर माइनस वन इंटू जेड इंटू अंडर रूट जेड की पावर माइनस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है वन है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे एक्स की पावर माइनस वन, तो इसको हम लिख लेते हैं वाई ओवर एक्स, तो पूरा अंडर रूट ही हो गया मल्टीप्लाइड बाई वाई की पावर माइनस वन, इसका मतलब जेड ओवर वाई, फिर अंडर रूट एक्स और जेड की पावर माइनस वन, तो एक्स ओवर जेड, ये मेरा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है एल एच एस। तो आप ये देखो रूट वाई से ये कट जा रहा है, रूट एक्स से ये कट जा रहा है, रूट जेड से ये कट जा रहा है, तो सारी टर्म्स कैंसिल आउट होगी, तो एक स्टेप में ही आपका आंसर आ गया। तो यही मेरा आर एच एस आ गया, बस खत्म। फिर क्वेश्चन है प्रूव दैट टू की पावर 30 प्लस टू की पावर 29 प्लस टू की पावर 28 डिवाइडेड बाई टू की पावर 31 टू की पावर 30 एंड टू की पावर 29 इज इक्वल टू 1/2, ये मेरा क्वेश्चन है। तो क्या करो, दोनों में से ऊपर, पहले ऊपर वाले में से मैक्सिमम कितना कॉमन आ सकता है ये मैं देख लेता हूँ। जैसे ये है 28 और मतलब ऐसे देखो, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू 28 है, तो 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 28 प्लस 2, 29 को क्या लिख सकता हूँ 28 प्लस 1 और 2 की पावर 28 लाइक दिस। ऐसे ही नीचे सबसे छोटी टर्म 29 है, 29 फिर बड़ी 30 है, फिर उससे बड़ी 31 है, तो 31 को फिर लिख लिया 2 की पावर 29 प्लस 2, और इसको लिख लिया 2 की पावर 29 प्लस 1, इसको लिख लिया 2 की पावर 29, ठीक है। तो ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, पहले अच्छा चलो पहले ऐसे ब्रेक कर लिया 2 की पावर 28 इंटू 2 रेज टू द पावर 2, और इसको 2 की पावर 28 इंटू 2, ओनली 2 मतलब 2 की पावर 1 है, और 2 की पावर 28 ऐसे लिख ली, और नीचे 2 की पावर 29 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 29 इंटू 2, अकेला 2 मतलब फिर से 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 29 ऐसे हो गया। तो ऊपर से आप ये देखो, ऊपर से 2 की पावर 28 मेरा कॉमन आ रहा है, तो बच गया क्या 2 की पावर 2 बच गया प्लस 2 प्लस 1 ये बच गया, नीचे क्या है 2 की पावर 29 मेरा कॉमन आ रहा है, तो बच गया क्या 2 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 1 ये बच गया। तो 2 की पावर 2 ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ऊपर और नीचे सेम है, तो ऑब्वियसली ये दोनों टर्म्स मेरी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बच क्या गया 2 की पावर 28 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 29 ऐसे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 28 और नीचे 29 वाले को 2 की पावर 28 इंटू 2, क्योंकि 2 की अकेला 2 मतलब 2 की पावर 1 होता है, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ऐड होके 29 हो जाएगा, यानी 29 को मैंने ब्रेक कर लिया, ऐसे था 2 की पावर 29, इसको लिख लिया 2 की पावर 28
प्लस वन, और फिर 2 की पावर 28 इंटू 2, तो ऐसे लिख लिया मैंने। उससे क्या होगा, 2 की पावर 28 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, 1/2, यही मेरा आर एच एस है, हेंस प्रूफ दूंगा। सही, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर 3 में सबसे पहला पॉइंट ये कहलाता कार्टेशियन प्लेन, यानी दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, दिस इज वाई वाई डैश, यानी जो ये हॉरिजेंटल है दिस इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये जो वर्टिकल है दिस इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस, पहली बात, एंड दिस इज़ कॉल्ड ओरिजिन। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन फॉर्मेट भी हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज क्या होगा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मीट करती हैं उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कहाँ पे मीट करती हैं, ओरिजिन पे, तो दिस इज कॉल्ड, आंसर विल बी ओरिजिन, ठीक है। फिर इसके अलावा जो भी पॉइंट ओरिजिन से अबव होगा वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, यानी जैसे ये हैं 1, 2, 3, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, और जो भी ओरिजिन से नीचे होंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे। ऐसे ओरिजिन से राइट साइड पे जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे वो हमेशा नेगेटिव होंगे। तो इसको भी लिख लिया, पॉइंट्स अबव ओरिजिन या फिर अबव एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं आर ऑलवेज पॉजिटिव, और इसी में ही पॉइंट्स बिलो ओरिजिन या एक्स एक्सिस आर ऑलवेज नेगेटिव। और पांचवा, पॉइंट्स लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस या फिर ओरिजिन आर ऑलवेज नेगेटिव, एंड पॉइंट्स राइट ऑफ वाई एक्सिस और ओरिजिन आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद कर लेने लिखने के साथ साथ। फिर सेवेंथ पॉइंट, एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज, कोई भी पॉइंट है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कॉमा वाई, तो ये जो होता है ये कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्यों एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, क्योंकि इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, और ये हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करता है, इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है, इसके अलावा हम इसको एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है। और ये वाला हमारा कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट, और इट लाइज ऑन वाई एक्सिस, और इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है, ये टर्म याद रख लें। अब जैसे सपोज मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ, क्वेश्चन ये है
जैसे ये है 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4, एंड ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, अगेन -1, -2, -3, -4। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये ऐसे ये पॉइंट क्या है, दिस इज ए, और उसके बाद ऐसे ये पॉइंट क्या है बी, एंड ऐसे सी, और डी, मतलब ये 4 पे है ऐसे। दिस इज लाइक दिस। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं ये आप मुझे बताइए, ये मेरा क्वेश्चन है। तो ए क्या है, यहाँ से हमेशा कोई भी पॉइंट अगर मुझे देखना है तो पहले देखना है कि एक्स पर उसका वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है, एक्स एक्सिस वैल्यू क्या है 1, फिर वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या है 2। तो आंसर यहीं लिख लेते हैं, या चलो यहाँ लिखते हैं, ए पॉइंट इज 1, 2। पहले एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे देखा कि वैल्यू क्या है 1, फिर कहाँ पे देखा वाई एक्सिस पे देखा, तो फिर उसको लिख लिया। फिर बी के लिए पहले आप एक्स एक्सिस पे देखो क्या है -4, और वाई एक्सिस पे क्या है 4, तो बी क्या हो गया, बी इज -4, 4। फिर सी, सी देखो पहले एक्स एक्सिस पे देखो 3 है, दिस इज एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे देखो क्या है -2, तो सी क्या हो गया, सी इज 3, फिर -2। और डी के लिए एक्स एक्सिस पे देखो क्या है, पहले -3 है, फिर वाई एक्सिस पे देखो, यानी -3 और -4। एक्स एक्सिस का मतलब हॉरिजेंटल, जो भी हॉरिजेंटल है पहले उसमें देखना है कि पॉइंट क्या है, और फिर आपको वर्टिकल जाना है, ठीक है। जैसे हॉरिजेंटल देखा ये -3, तो उसको कहेंगे एक्स एक्सिस, फिर वर्टिकल देखा ये -4, उसको बोलेंगे वाई एक्सिस, बस। इसके बाद हमारे कितने पॉइंट हो गए थे, 7। अब 8th पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा वो इस फॉर्मेट में होगा a, 0, यानी ये y कोऑर्डिनेट उस पर हमेशा ही 0 होगा। तो क्या मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इस फॉर्मेट में होता है। इसके अलावा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट भी कहते हैं उसको, ऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, हमेशा ही 0 होता है। फिर 9th पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस वो किस फॉर्मेट में होता है, वो होता है 0, a या फिर
उसको हम कह सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा इज ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, अब जैसे कि फिर से क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये हो गई वाई एक्सिस एंड ये हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, और हमने बोला दिस इज ओरिजिन, वन टू थ्री फोर और फाइव, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, दिस इज माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर और माइनस फाइव, अगेन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड माइनस फाइव। अब मैं कहता हूँ ये पॉइंट्स हैं ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ओ और ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड ए बी ओ सी डी और ई, तो ये पॉइंट बताओ, क्वेश्चन ये है। तो आप देखो ए, ए कहाँ पर है, हॉरिजेंटल पर, हॉरिजेंटल यानी एक्स एक्सिस, और वैल्यू क्या है माइनस थ्री। तो हम क्या लिखेंगे, हमने बोला कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे क्या होगा, जो वैल्यू है कॉमा ज़ीरो ऐसे। फिर बी, बी कहाँ पर है, वर्टिकल पे यानी वाई एक्सिस पे, वाई सो कहते हैं वाई डैश एक्स डैश, डैश का मतलब नेगेटिव है वहाँ पर, वाई का मतलब पॉजिटिव है, एक्स का मतलब पॉजिटिव है, जहाँ डैश लग गया वो नेगेटिव है। तो बी, बी कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे है, वैल्यू क्या है फोर, तो कैसे लिखेंगे, पहले ज़ीरो फिर फोर। ठीक है, फिर ओ, ओ का मतलब ये है ओरिजिन, ओरिजिन हमेशा क्या होता है ज़ीरो ज़ीरो। फिर सी, सी का मतलब सी कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, तो क्या बोलेंगे, वैल्यू क्या है फाइव, तो फाइव कॉमा ज़ीरो बोलेंगे। फिर डी, डी क्या है, डी है मेरा वाई एक्सिस पे, तो उसका वैल्यू क्या है, वैल्यू है माइनस फोर, तो ज़ीरो माइनस फोर बोलेंगे। ई मेरा कहाँ पर है, अगेन वाई एक्सिस पे है, वैल्यू क्या है माइनस टू, तो ज़ीरो माइनस टू बोलेंगे बस। तो ये मेरा आंसर आ गया इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए थे, नौ दस, टेंथ पॉइंट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, हम ये जो वाई एक्सिस है ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये टोटल उसको कार्टेशियन प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करता है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ, तो चार क्वाड्रेंट हो गए। ठीक है, क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री और क्वाड्रेंट फोर, चार क्वाड्रेंट हो गए, ये ऐसे हो गया, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश, ये ओरिजिन हो गया। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो कैसे बन रहा है, एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, मतलब ये है
कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की ही वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे बन रहा है, एक्स डैश और वाई के कॉम्बिनेशन। एक्स डैश का मतलब एक्स वाला टर्म मेरा नेगेटिव है, यानी माइनस एक्स और वाई होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। फिगर से आप समझ लो एक्स डैश आ रहा है और वाई आ रहा है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, एक्स डैश आ रहा है और वाई डैश आ रहा है, यानी क्या होगा, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। और फोर्थ में एक्स है और वाई डैश है, ठीक है, यानी एक्स पॉजिटिव है वाई मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, फाइंड क्वाड्रेंट वेयर फॉलोइंग पॉइंट्स लाए। फर्स्ट पार्ट 2 3 -5 6 7 0 3 11 एंड -5 -6 4 -7 0.5 एंड 1.1, 2। तो आप ये देखो कि 2 3 दोनों ही पॉजिटिव है, तो 2 3 के लिए आप क्या लिखोगे, 2 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। फिर -5 6 तो पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, यानी कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। रेफर करो, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट। फिर 7 0 तो 7 0 के लिए हम क्या बोलेंगे, क्योंकि 7 और फिर 0 है, वाई वाला नेगेटिव है, तो ये तो क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस, आंसर विल बी एक्स एक्सिस। इसमें आप देखो दोनों ही पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव है तो कहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, आंसर विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर इसमें दोनों ही नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, तो कहाँ पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर इसमें एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे बोलो या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, बात एक ही। अब इसमें वाई का तो वैल्यू है एक्स ज़ीरो है, तो एक्स अगर ज़ीरो है तो ये कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा, ये और ये क्वाड्रेंट में ना लाई करके एक्सिस पे लाई करेंगे। ये है 1.1, 2, यानी दोनों ही पॉजिटिव है, तो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे आएगा, बस ये आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन मान लीजिए ये है, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3, 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक, ऑल्सो फाइंड distance between origin and 3, 4, ये क्वेश्चन है। तो लॉजिक लगाओ, अगर आप खुद लगा सकते हो तो ट्राई करो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, आप प्रॉपर ग्राफ पे बनाएं वही बेटर है, एक्स डैश एक्स वाई डैश, सॉरी वाई डैश तो नीचे होगा, ये वाई होगा। अब पॉइंट पहले 3, 4 लोकेट करो। अब लोकेट कैसे होता है, ये हो गया 1, 2, 3, 3 हो गया, फिर 4, 1, मतलब पहले एक्स को आपने लोकेट करना है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, तो 3
तो 1 2 3, तो 3 पे मेरा ये मिल गया, 3 हो गया। फिर 1 2 3 4, इसको वाई पे लोकेट किया, ये 4 हो गया, ये 3 है। तो अब इसको ऐसे, मतलब ग्राफ पे आपको ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी, एक्चुअल ग्राफ पे तो लाइन मिलेंगी आपको, तो बस आपको ये देखना है कि कहाँ पर ये रेक्टेंगल बन रहा है। इस तरह से एक रेक्टेंगल बन गया, कैसे, ये वाला, ध्यान दो ज़रा, ये ऐसे, ये मेरा एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। ऐसे ग्राफ पे ही आपको लाइंस मिलेंगी, तो आपने ऐसे इधर जाना है, कहाँ तक, जहाँ पे ये लाइन ऊपर को आ रही होगी। तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल कॉल 3 4, ठीक है। तो अब क्वेश्चन मेरा, पहले तो मैंने इसको लोकेट किया, पहला स्टेप। दूसरा क्वेश्चन ने बोलाया कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये वाली डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज़ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये 4, ये रेक्टेंगल, हमने क्या बोला, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 है, तो ये भी 3 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 है, क्योंकि हम पॉइंट 4 पे गए, तो ये भी 4 ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मुझे ये डिस्टेंस बतानी है, तो ये डिस्टेंस मैंने क्या बोली, 4 है, तो ये भी 4 हो गए, तो क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 4, ये हो गया। फिर अब मुझे बोला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो अब वाई एक्सिस मेरी ये है, तो पॉइंट ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस कितनी है, 3 है, तो मैं क्या बोलूँगा, दैट विल बी 3, ठीक है। फिर आगे उसने बोला ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का मतलब ये है कि मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली, ये है ओरिजिन ओ, तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप देखो इन ट्राइंगल, कौन सा, अगर नेमिंग कर दें, ये ओ है, ये मैं कहता हूँ ए है, और ये मेरा बी है, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। ये मेरा रेक्टेंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं। तो हाइपोटेनस यानी ओ ए, ये तो मुझे निकालना ही है, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए, और परपेंडिकुलर यानी ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, बेस मतलब ओ बी, ओ बी का स्क्वायर, तो ए बी मेरे पास कितना है, ए बी मेरे पास है 4, अभी हमने बताया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ओ बी मेरा कितना है 3, तो वैल्यू कितनी आ गई, 16 प्लस 9, और 16 प्लस 9 मीन्स 25, तो ये हो गया 25, दिस इज ओ ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ओ ए मेरा कितना आया, अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 इज़ नथिंग बट 5, बस यही मेरा आंसर आ गया। तो कंक्लूजन लिख लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट इज 5 यूनिट्स, वैसे तो सेंटीमीटर चलेगा, क्योंकि जो भी ग्राफ होता है, ग्राफ में ये जो यूनिट होती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये 1 सेंटीमीटर होता है, ये फिर से 1 सेंटीमीटर होता है, यानी 1 1 सेंटीमीटर का गैप होता है, तो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, या फिर यूनिट भी लिखेंगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, नेम द फिगर ऑन विच पॉइंट्स
या ऐसे बोलो इसकी जगह, लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या क्या हैं? 1-1, 2-2, 3-3 एंड -5, -5। ऑल्सो नेम द फिगर ऑब्टेंड ऑब्टेंड बाय ज्वाइनिंग देम। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ये हो गई वाई एक्सिस एंड ऐसे ये हो गई एक्स एक्सिस एंड इसको हमने कहा ओरिजिन है। पॉइंट क्या है? 1-3, -5। पहले ये ले लिया -1, -2, -3, -4 और -5। -1, -2, -3। आप प्रॉपर ग्राफ पे बनाइएगा, मेरे पास तो ग्राफ नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऐसे ही हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 1-1, तो पहले यहाँ से 1 देखा, मतलब पहले ये 1 देखा फिर ये 1 देखा, तो रेक्टेंगल ऐसे ऐसे, तो जो लाइन मिल रही है होगी ऐसे, एक डॉट आ गया, ठीक है, ऐसे समथिंग लाइक दिस, ये रेक्टेंगल बनेगा। फिर 2-2, तो ये 2 है और ये 2 है, तो इसको मिलाया तो डॉट मेरा यहाँ पर कहीं आ गया, दिस इज़ 2-2। फिर 3-3, तो फिर पहले 3 ये वाला फिर 3 ये वाला, तो ऐसे देखा तो ये यहाँ पर आ गया कहीं, ऐसे समथिंग लाइक दिस, ठीक है, 3-3 हो गया। उसके बाद -5, तो पहले x एक्सिस पे देखा -5 ये है और y एक्सिस पे -5 ये है, तो ये हो गया -5। अब इनको मैं ज्वाइन करूं, तो उसने बोला कि इसको ज्वाइन करके कौन सी फिगर आती है, तो इसको मैंने ज्वाइन किया ऐसे और इनको ज्वाइन किया, सारे पॉइंट्स को मिलाया तो क्या फिगर आई? एक स्ट्रेट लाइन। तो आंसर हम लिख लेंगे, फिगर ऑब्टेंड, ये पूरा सॉल्यूशन ही है जो हमने ग्राफ बनाया, फिगर ऑब्टेंड इज ए स्ट्रेट लाइन। बस ये मेरा आंसर आ गया। और यहाँ पर आप पॉइंट लिख लो, 1-1 ये हो गया, 2-2 ये हो गया, 3-3 एंड इसको लिख लिया -5, -5। बस ख़त्म। यहाँ पर हो गया x x डैश y y डैश। प्रॉपर मतलब ये लेबलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेपर में मैटर करेगा। बस ख़त्म।